हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम क्लिक। और एसएससी जेई मैकेनिकल के 1000 क्वेश्चन सीरीज में ये हमारा है 10th पार्ट। यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 226 से लेके क्वेश्चन नंबर 250 तक। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 226। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस सीरीज के सभी पार्ट्स को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएँ। चलिए, क्वेश्चन हमारा क्या है 226। द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फॉर अ सर्कुलर पाइप ऑफ डायमीटर डी रनिंग फुल इज इक्वल टू डी या डी बाई थ्री, डी बाई टू और ऑप्शन डी है डी बाई फोर। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक फॉर्मूले से, जो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन पेरीमीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा उस पाइप का, सर्कुलर पाइप है, पाई आर स्क्वायर अपॉन टू पाई आर। इसको पाई से पाई कैंसिल और आर से एक आर से आर कैंसिल, हमें मिला आर बाई टू, या इसको रिप्रेजेंट करेंगे डी बाई फोर से। यहाँ से ऑप्शन हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 227। इन सेंट्रीफ्यूगल पंप द लिक्विड इंटर्स द पंप फ्रॉम द टॉप, द बॉटम, द सेंटर, फ्रॉम द साइड। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो लिक्विड इंटर करता है वो इसके इंपेलर से करता है और वो होता है सेंटर में। आंसर हमारा क्या होगा, सी, फ्रॉम द सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 228 है। हेड लॉस इन द फ्लोइंग फ्लूइड इज एक्सपीरियंस ड्यू टू, ए है फ्रिक्शन एट सरफेस, बी चेंज ऑफ डायरेक्शन, सी है चेंज ऑफ द सेक्शन ऑफ पैसेज, डी ऑब्स्ट्रक्शन इन द पैसेज। और हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए है ओनली ए, ऑप्शन बी है ओनली बी, सी ऑप्शन है बी ओनली बी एंड सी, और डी ऑप्शन है ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। तो देखिए, हेड लॉस जो होता है वो सरफेस के फ्रिक्शन से भी हो सकता है। अगर हम फ्लो का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं पाइप में तो यहाँ पे भी हेड लॉस एक्सपीरियंस होता है। या अगर हम इस सेक्शन के पैसेज को चेंज कर सकते हैं, सपोज दैट एकाएक हम इसको जो है इनलार्ज कर देते हैं डायमीटर, या फिर डिक्रीज कर देते हैं, तो इसे भी हो सकता है। और किसी भी सेक्शन में, पैसेज में अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है फ्लो के दौरान, तो उससे भी हेड लॉस एक्सपीरियंस हो सकता है। आंसर हमारा यहाँ पे सही होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी ए बी सी एंड डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 229 है हमारा। द हाई स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन इम्प्लाइज दैट इट इज़ अ प्रोपेलर टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन, इम्पल्स टर्बाइन, या इम्पल्स एंड फ्रांसिस दोनों टर्बाइन। तो एक हमारे पास टेबल दिया गया है कि टर्बाइन और उनके स्पेसिफिक स्पीड में रिलेशन का, उसमें से क्या है, इम्पल्स टर्बाइन का जो स्पेसिफिक स्पीड 10 से 40 होता है, लो स्पेसिफिक स्पीड होता है। फ्रांसिस का 50 से 300 होता है, ये मीडियम स्पेसिफिक स्पीड होता है। कैपलन टर्बाइन का जो स्पेसिफिक स्पीड होता है वो 300 से लेके 900 होता है। और कैपलन का ही एक पार्ट है प्रोपेलर। प्रोपेलर किसका पार्ट है, कैपलन का, कैपलन का पार्ट है। तो यहाँ पे हम आंसर में कैपलन नहीं दिया है, तो हम लोग प्रोपेलर टर्बाइन के साथ जाएंगे, ऑप्शन ए प्रोपेलर टर्बाइन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 230। वन डायमेंशनल फ्लो इज रेस्ट्रिक्टेड टू फ्लो इन स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म फ्लो, वन विच नेग्लेक्ट अ चेंज इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, या मोस्ट जनरल फ्लो। तो वन डायमेंशनल फ्लो क्या होता है कि एक ही डायमेंशन में फ्लो हो, यानी दूसरे डायमेंशन में इसका जो है ना हो। अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इसी में हो, ट्रांसवर डायरेक्शन में ना हो, यहाँ पे फ्लो ना हो, यानी ऑप्शन विच नेग्लेक्ट चेंज इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, यानी ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पे सी सही। क्वेश्चन नंबर 231 के साथ हम लोग जाएंगे। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन डिपेंड ऑन स्पीड, पावर, डिस्चार्ज, ऑप्शन बी है डिस्चार्ज एंड पावर, ऑप्शन सी है स्पीड एंड हेड, या ऑप्शन डी है स्पीड, पावर एंड हेड। तो स्पेसिफिक स्पीड को डिफाइन करते हैं, एनएस जो होता है एन अंडर रूट पी अपॉन एस टू पावर 5/4, जहाँ पे एन होता है आरपीएम में स्पीड, पी होता है किलोवाट में पावर, और एच होती है हमारी फाइव, ये हेड होती है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ से सही होगा डी, स्पीड, पावर एंड हेड। अगर यही अगर टर्बाइन के जगह अगर पंप का होता तो स्पीड, पावर एंड डिस्चार्ज होता यहाँ पे सही। क्वेश्चन नंबर हमारा 232। इफ़ द माउथ पीस इज रनिंग फुल एट आउटलेट द वैक्यूम एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, ऑप्शन ए इंक्रीजेज वेलोसिटी ऑफ जेट, बी है डिक्रीजेज वेलोसिटी ऑफ जेट, या ऑप्शन सी है डिक्रीजेज द डिस्चार्ज, ऑप्शन डी है डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ कोफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर माउथ पीस इज रनिंग एट फुल एट आउटलेट है तो वेना कॉन्ट्रैक्टा जो है पे वैक्यूम जो इंक्रीज करता है वेलोसिटी ऑफ जेट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 233। व्हेन अ फ्लूइड फ्लो इन कॉन्सेंट्रिक सर्किल इट इज़ नोन एज फ्री सर्कुलर मोशन, फ्री रोटेशनल मोशन, फ्री स्पाइनल वोर्टेक्स, या फ्री सिलेंड्रिकल वोर्टेक्स। अगर कोई फ्लूइड जो है कॉन्सेंट्रिक सर्किल में है तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल हम बनाएंगे, और नीचे तक ये जो है इनका जाता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक फ्री सिलेंड्रिकल वोर्टेक्स फ्लो को, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 234 हमारा है, मैक्सिमम इंपल्स विल डेवलप इन हाइड्रोलिक रैम व्हेन वाल्व्स आर क्लोज सडनली, सप्लाई पाइप इज लॉन्ग, ऑप्शन सी है सप्लाई पाइप इज शॉर्ट, या ऑप्शन डी है रैम चैम्बर इज लार्ज। तो जो एकाएक जो मैक्सिमम इंपल्स जो मिलेगा वो अगर सडनली हम लोग वाल्व को क्लोज कर दें तब मिलता है सडनली मैक्सिमम इंपल्स। क्वेश्चन नंबर 235, क्रिटिकल डेप्थ मीटर इज यूज टू मेजर, जो क्रिटिकल डेप्थ मीटर है वो डिस्चार्ज इन ओपन चैनल को मेजर करने के लिए होता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे फर्स्ट ही सही हो जा रहा है, वी आर नॉट गोइंग विद द अदर ऑप्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 236 है, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप इम्प्लाइज दैट इट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप, मिक्स फ्लो पंप, या एक्सियल फ्लो पंप है, या एक्सियल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों की कैटेगरी में आता है। अब मेरे पास एक डाटा है कि स्पेसिफिक स्पीड में रिलेशन सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक स्पीड एक्सियल फ्लो पंप की होती है, उसके पास मिक्स्ड फ्लो पंप की होती है, और सबसे लीस्ट में होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप की। तो अगर मीडियम स्पेसिफिक स्पीड बोला है तो इसका मतलब क्या है कि मिक्स्ड फ्लो पंप है, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 237, द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन इज ऑलवेज मूविंग अप, ऑलवेज मूविंग डाउन, ऑलवेज अबव द एनर्जी ग्रेड लाइन, या द वेलोसिटी हेड बिलो द एनर्जी ग्रेड लाइन। तो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन और एनर्जी ग्रेड लाइन में एक रिलेशन है। एनर्जी ग्रेड लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन जेड, सॉरी वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड, यानी प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और डेटम हेड, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड डेटम हेड। और हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन होता है पी अपॉन रो जी प्लस जेड, यानी प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। यानी ये चेंज क्या मिला कि एनर्जी ग्रेड लाइन ऑलवेज अबव द काइनेटिक हेड, यहाँ वेलोसिटी हेड जो है ज़्यादा रहती है एचजीएल के। तो या कह सकते हैं कि हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन क्या होती है, एचजीएल जो होती है वो वेलोसिटी हेड नीचे रहती है एनर्जी ग्रेड लाइन के, यानी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 238 क्वेश्चन नंबर है, द रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ बकेट फॉर द पेल्टन व्हील टू द डायमीटर ऑफ जेट इन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ऑप्शन ए है 1, 1.2, 1.5, और ऑप्शन डी है 1.8। तो जो डी को अगर हमारे पास डेटा एक है, डी इज डायमीटर ऑफ जेट, तो विड्थ ऑफ बकेट होता है क्या 0.4D, डेप्थ ऑफ बकेट होता है 0.3D, और हाइट ऑफ बकेट होता है 2.5D। पूछा क्या है डेप्थ ऑफ द बकेट, और आंसर में है 0.3D। ऑप्शंस हमारे पास 0.3D है नहीं, ये क्वेश्चन मार्क टू ऑल हुआ था, और डेप्थ ऑफ बकेट आप लर्न कर लीजिए कि 0.3D होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 239, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एरिया फ्लो थ्रू ऑर्फिस इन टैंक डिपेंड ऑन शेप ऑफ ऑर्फिस, साइज ऑफ ऑर्फिस, हेड इन टैंक। तो जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एरिया जो होता है वो शेप ऑफ ऑर्फिस में, साइज ऑफ ऑर्फिस और हेड इन टैंक, ये तीनों पे डिपेंड करता है, तीनों पे डिपेंड करता है। तो वी आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर डी, ए बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 240 है हमारा, द फ्लो एट क्रिटिकल डेप्थ इन ओपन चैनल इज मैक्सिमम मिनिमम जीरो हाफ ऑफ नॉर्मल फ्लो। तो फ्लो क्रिटिकल डेप्थ पे जो होता है वो मैक्सिमम होता है, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 241, इन कैपलन रनर द नंबर ऑफ ब्लेड्स इज जनरली ऑफ ऑर्डर 2 to 4, 8 to 4 to 8, 8 to 16, या 16 to 24। तो एक डेटा और हमारे पास है, टर्बाइन और उनके ब्लेड में रिलेशन, अगर इंपल्स टर्बाइन है तो 3 to 15 होगा, फ्रांसिस में 16 to 24 होगा, और कैपलन में 4 to 8 होगा। नंबर ऑफ ब्लेड कैपलन टर्बाइन में कम होते हैं, तो आंसर हमारा 4 to 8, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर हमारा 242, एयर वेसल इन रेसिप्रोकेटिंग पंप आर यूज टू स्मूथन द पंप फ्लो, रिड्यूस द एक्सलेशन टू मिनिमम, इंक्रीज द पंप एफिशिएंसी, या सेव द पंप फ्रॉम कैविटेशन। एयर वेसल इसमें से क्यों यूज़ किया जाता है, तो सबसे पहले एयर वेसल्स के एप्लीकेशन या फंक्शंस देखते हैं। मेंटेन द यूनिफॉर्म रेट ऑफ फ्लो इन सक्शन एंड डिलीवरी पाइप, रिडक्शन इन एक्सलेशन हेड एंड फ्रिक्शनल लॉसेस, पंप कैन बी यूज्ड एट हायर स्पीड विदाउट फियर ऑफ फ्लो सेपरेशन, फ्लो सेपरेशन के फियर के बिना भी हम लोग यूज कर सकते हैं हाई स्पीड पे। तो ऑप्शन जो हमारे इसमें मिल रहे हैं, रिडक्शन इन एक्सलेशन हेड, और यहाँ पे दिया है ऑप्शन बी, टू रिड्यूस द एक्सलेशन टू मिनिमम, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 243, द हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर, 2 रैम एंड ए स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन बी है सिलेंड्रिकल एंड रैम, ऑप्शन सी है 2 कोएक्सियल रैम्स एंड 2 सिलेंडर्स, ऑप्शन डी है सिलेंडर पिस्टन स्टोरेज टैंक एंड कंट्रोल वॉल। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आंसर आपको कमेंट आप करिएगा, कमेंट में रिप्लाई में आपको आंसर मिलेगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 244, कैविटेशन इज कॉज्ड बाय हाई वेलोसिटी, हाई प्रेशर, वीक मटेरियल, या ऑप्शन डी है लो प्रेशर।
रेपिटेशन हम लोग अर्लियर वीडियोज़ में डिस्कस किए थे कि लो प्रेशर से जब वेपर प्रेशर के बिलो हो जा के आसपास अगर हम चले जाते हैं फ्लूड की प्रेशर हो जाता है तो कैविटेशन के बबल्स फॉर्मेशन हो जाते हैं और वहाँ से कैविटेशन फिनोमिना अकर करती है। आंसर होगा हमारा डी, लो प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 245, विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज़ यूज फॉर पंपिंग विस्कस फ्लूड। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, विस्कस फ्लूड के लिए कौन से पंप का यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल का, स्क्रू का, रेसिप्रोकेटिंग का या जेट पंप का। तो विस्कस फ्लूड के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्रू पंप का यूज़। क्वेश्चन नंबर 246, द स्टील हुज एलिमेंट आर यूज फॉर पर्पस ऑफ मॉडिफाइंग द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन कार्बन स्टील इज कॉल्ड एलॉय स्टील, इनवार, स्टेनलेस स्टील या हाई स्पीड स्टील। तो स्टील हुज एलिमेंट आर यूज फॉर पर्पस ऑफ मॉडिफाइंग द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन कार्बन स्टील, तो इनको हम लोग बोलते हैं एलॉय स्टील। क्वेश्चन नंबर 247, द एलॉय स्टील कंटेनिंग 36% ऑफ निकल, उस एलॉय स्टील को हम लोग क्या बोलेंगे जिसमें 36% निकल है। तो इनवार बोलेंगे, स्टेनलेस स्टील बोलेंगे या हाई स्पीड स्टील बोलेंगे या नन ऑफ दिस बोलेंगे। आंसर हमारा होगा इनवार, और इनवार में कंपोजिशन 36% निकल का होता है और आयरन का होता है 64%। क्वेश्चन नंबर 248 मूव करते हैं, कार्बन स्टील इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग कार्बन इन स्टील या ऑप्शन बी है अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन विथ वेरिंग क्वांटिटीज ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर या ऑप्शन सी है प्योरर देन कास्ट आयरन या नन ऑफ दिस। तो कार्बन स्टील होता है अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, आयरन एंड कार्बन का होता है एलॉय जिसमें फॉस्फोरस और सल्फर की क्वांटिटीज़ को वेरी कराते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट इसके टाइप्स के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 249 है, परसेंटेज ऑफ कार्बन स्टील, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील इज, तो कार्बन में स्टील की परसेंटेज कितनी ही होती है, 0.1 to 0.8 या 0.35 to 0.45 या 1.8 to 4.2 या ऑप्शन डी है 0.1 to 1.5। तो स्टील और कार्बन के लिए टाइप ऑफ स्टील हमारे पास है और उसमें कार्बन का कंटेंट है। डेड माइल्ड स्टील में 0.5% तक यूज होती है, लो कार्बन स्टील में 0.15 से 0.3 तक होती है, मीडियम कार्बन स्टील में 0.3 से 0.6 होती है और हाई कार्बन स्टील में 0.6 से 1.5 होती है। यानी हम कह सकते हैं 0.1 से यहाँ पे 1.5 तक कार्बन की कंटेंट चेंज होती रहती है। आंसर क्या है, 0.1 to 0.15%, ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हार्डनेस ऑफ स्टील डिपेंड्स ऑन ऑप्शन ए अमाउंट ऑफ सीमेंटाइट इट कंटेंस, अमाउंट ऑफ कार्बन इट कंटेंस या कंटेंट ऑफ एलॉइंग एलिमेंट या मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। तो जो कार्बन के कंटेंट होते हैं वही हार्डनेस को स्टील को मतलब डिफाइन कराते हैं। तो हार्डनेस ऑफ स्टील विल डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ कार्बन इट कंटेंस। इस सीरीज़ के सभी पार्ट्स को आप देखने के लिए प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जाने से पहले वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।